लोहारदा में जनजातीय सुरक्षा मंच द्वारा सरस्वती शिशु मंदिर में विभिन्न विषयों पर बैठक आयोजित की गई है। इसमें विभिन्न विषयों पर मंथन किया गया है। देखिए खास रिपोर्ट। बैठक में जनजातीय सुरक्षा मंच के सदस्य मुकेश वासकेल, बाबू सिंह निगवाल, गजराज सिंह डाबर, भाजपा जिला महामंत्री पोपेंद्र सिंह बग्गा, विधायक प्रतिनिधि संजय गुप्ता, बबलू कालिया, दारा सिंह भार्गव, गोपाल भलावी, भारत निगम, नानुराम वासकेल, गजानंद भुसारिया विशेष रूप से उपस्थित थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जनजातीय सुरक्षा मंच के मुकेश वासकेल ने बताया कि डॉ. कार्तिक उराव के जन्मदिन 29 अक्टूबर के अवसर पर इस बारे में विस्तृत चर्चा की गई। आज हम यहाँ पर देवास जिले में जनजातीय सुरक्षा मंच के बैनर तले स्वर्गीय बाबूजी कार्तिक उराव, जो उस समय कांग्रेस से सांसद थे, उनके जन्म जयंती मनाने के लिए आज एकत्रित हुए हैं। तो जनजाति सुरक्षा मंच का गठन 2006 में हुआ था। तो बाबूजी कार्तिक उराव ने उस समय जो मांग की थी, सन 1969 में उन्होंने देखा कि 20 साल से जनजाति समाज के जो अन्य जो जनजाति समाज के लोग हैं, उनको जो धर्मांतरित जनजाति समाज है, जो ईसाई बन गए, जो मुस्लिम बन गए, वो 20 साल से उन्होंने 20 साल की काली रात नामक एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक में धर्मांतरित जो ईसाई मिशनरियाँ हैं उनका कच्चा चिट्ठा उन्होंने एक पुस्तक के रूप में लिखा है। उसमें जनजाति सुरक्षा मंच के बैनर तले 2006 से लगातार आंदोलन किए जा रहे हैं। उस आंदोलन में ये मांग की जा रही है, बाबूजी कार्तिक उराव में जो उस समय संसदीय समिति में उस समय मांग की गई कि जो ईसाई और मुस्लिम बन गए, जो जनजाति अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति ईसाई और मुस्लिम बन गए, उनको आरक्षण सूची से बाहर करने के लिए बाबूजी कार्तिक उराव ने उस समय मांग रखी थी। वो इस अभी पूरे देश भर में एक आंदोलन चल रहा है जनजाति सुरक्षा मंच के बैनर तले। इस एक सूत्रीय कार्यक्रम को लेकर जनजाति सुरक्षा मंच सड़क से संसद तक एवं सरपंच से सांसद तक आंदोलन, संघर्ष एवं संपर्क का अभियान चला रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़।